वेलकम बैक हो गया हो गया हाँ. जी तो ये मेरे हाथ में बर्फ की ईंट है. नहीं पता ये हेडेक में इट्स वेरी इफेक्टिव. मैं आपको बताऊं, एक तो आपको प्यास लग रही हो ठीक है ना, और जैसे कराची में धूप हो जाती है बहुत ज्यादा, या कहीं और आपको धूप की वजह से गर्मी लग रही हो ना, तो ये बर्फ ऐसे आप लगाएं सर पे, इधर 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 इधर, अच्छा लगता है. मुझे लगता है तुम्हें भूख लग रही है इस वजह से सर में दर्द हो रहा है. ये सेब्रोसो के जो अभी इफ्तारी हो जाएगी ना कबाब, ये तुम एयर फ्राई में बना के खा लेना, प्रोटीन है. और जो जो हर दो दो घंटे के बाद तुम्हें भूख लगती है ना, तो ये सिर्फ एयर फ्राई करो, प्रोटीन खाओ खाली. पक्का पक्का सही. और अभी पेट भी भर जाएगा और देर तक मेरे ख्याल में 3 घंटे फिर तुम्हें भूख नहीं लगेगी. और उस वक्त तक मैं बर्फ की ईंट, बस बर्फ पिघलना शुरू हो गई है. मैं अपनी नहीं हेडेक हो रहा है, पता नहीं आपको भी हो रहा है. अभी इस वक्त हो रहा होगा ना, सर में दर्द होता है ये तारी से पहले. बड़ा अच्छा लग रहा है. क्या ये कैसे घूम रहा है? और सर में दर्द हो गया. तो अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी. आज मैं ओट मील कुकीज बना रहा हूँ, फिर डार्क चॉकलेट. तो ये हमने पहले इसमें लिए ओट्स. रियान आपको ओट्स से कोई मसला तो नहीं है? नहीं, मुझे तो वो बर्फ वाली चीज चाहिए. बर्फ सर पे. हाँ ये हेडेक हो रहा है. एक और लाइन की बर्फ की ईंट. बस इधर से आप बहाना ले जाना. मैं मैंने आपके सॉरी शादी वादी वाली बातें ज्यादा की, उससे आपको सर में दर्द हो गया. नहीं ये हो सकता है, है ना, सो सॉरी, इसीलिए कह रहा हूँ. और ये हमारे पास है लो फैट बटर. अंडे की जर्दी लग रही है. अंडे की जर्दी ये रही. ये हमने इसमें थोड़ा सा लो फैट बटर डाला. मुझे टिश्यू चाहिए अगर वो निकाल दें. आपको चाहिए तो आप जाके लेके आए. मैं बीच में से शो छोड़ के कि हम लाके दें. हाँ चले, हिम्मत करें सर की मदद कर दें. सर कुछ और नहीं, बस मैं रखूंगा ताकि मैं मुरीद हूँ, मैं सारे काम करता हूँ, मैसी ना लगे. ये आपने इधर रखा, फिर हमने इसमें डाला अंडा. एक अंडा डाल दिया. थोड़ी सी किस गलती हो गई, हाथ धोना भूल गया लाइफ बॉय से. ओहो, अभी शुक्र इसने हाथ नहीं लगाया किसी चीज. हाँ, अभी हाथ. गुड शेफ हैज टू वॉश द हैंड. मैंने अभी थोड़ी देर पहले, वैसे मैंने थोड़ी देर पहले धोए थे हाथ. हाँ कोई बात नहीं, फिर भी अभी 5 मिनट पहले. जी लाइफ बॉय से ना, जब खाने की चीज बना रहे हैं स्पेशली रमजान में, तो भाई सही. आज तुम अभी हाथ धो, थोड़ी देर बाद हम बर्तन. मुझे दोबारा टिश्यू चाहिए. सही है, दोबारा टिश्यू चाहिए, हमारा काम यही है. और ये वैसे टिश्यू से ही याद आया था. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका. तो हमने इसमें डाल दिया लो फैट बटर, हमने डाल दिया इसमें अंडा. अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी किशमिश, और हमने डाला इसमें सिनेमन, दालचीनी पाउडर. इसका बड़ा टेस्ट होता है, दालचीनी का कमाल टेस्ट आता है इसका. अच्छा ये आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं मतलब चीनी डाल सकते हैं. मैंने इसमें ये गुड़ पीस के शक्कर जो होती है वो बनाई है. ये इससे कितने बनेंगे कुकीज? इससे बनेंगे मेरे ख्याल में 5-6 तो बन ही जाएंगे. ज्यादा बन जाएंगे, ज्यादा बन जाएंगे. लेकिन जो सिंगल लोग हैं वो कितने बनाएं? वो फिर बांट दें. बांटें, प्यार बांटें. रियान आप बना के मुझे भिजवा. अच्छा ये डार्क चॉकलेट है, बेकिंग चॉकलेट आती है, डार्क चॉकलेट लोकल मिलती है अब तो, बड़ी अच्छी. हाँ मैंने उस दिन ट्राई की थी, बहुत वाकई बड़ी मजेदार. चॉकलेट तो बहुत हेल्दी होती है ना, है ना? डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट. तो मेरे ख्याल में ओट्स थोड़े से और डाल दे. यार ये बात सही है कि जो पिंडी इस्लामाबाद वाले लोग होते हैं वो चाय बिस्किट बहुत शौक से खाते हैं. सही है ना, चाय के साथ. पाकिस्तान भर में भी नहीं, ज्यादा ये पिंडी घर खास में नाश्ते पे चाय बिस्किट मिल जाए हैप्पी. आपकी है ये आदत? हाँ, वो चाय में डुबो के. आपकी है ये आदत? रस हो जाए पापा कुछ, है ना, ये सी ग्राइंड है मेरा. तो ये हमने, ये हमको, हम इसको ऐसे भी है, जरूरी नहीं हम इससे बीटर इस्तेमाल करें. हाथ से इसको अच्छी तरह से, हाथ से या नो कुकिंग, नहीं नो बीटिंग, बेकिंग होगी ना. कुकीज के लिए जरूरत नहीं होती है बीटर की. अभी मेरे हाथ धुले हुए, मैं हाथ इसमें उतारने लगा हूं. ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, हमने तो देखा अपनी आंखों से, तो हम मान लेते हैं. तो तुमने देखा है ना कि किस तरह ये मिक्स करके आप, वाह ये ये देखें, जाज ने हर मासी को पीछे छोड़ दिया. हाथों का कमाल जो है, बात है क्या कबाब पीसेंगे सिलबट्टे पे, जो जाज सिलबट्टे पे हाथों से. अब ये सुगड़ है लड़का. हाँ, बहुत सुगड़. ये हमने इसको बनाया इस तरह के. जब तो क्या क्या, जब सर दर्द हो रहा हो ना उसका इलाज करें, क्योंकि वरना आप किसी साथ वाले लोग हैं ना उनको खाने शुरू हो जाते हैं. सही, बिल्कुल है, होता है. गुस्सा आ रहा है क्या है ये, फिर देखिए सर रोजा खराब हो, रोजा खराब हो तो गुस्सा नहीं, यही आजमाइश रहेगी. हाँ हाँ, बेक होगा ना.
बेक होगा जी ये हाँ। बेक होगा तो कहा था कुकिंग नहीं करनी अरे बेक होगा बेकिंग होगी कुकिंग नहीं होगी नहीं रोजा लगता है ना मतलब बात भी नहीं ना समझ आ रही होती है ना आप इतना समझा पाते हैं इट्स ओके इट्स नेचुरल इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर में डाल खाना ही नहीं बनाती हां मैं मेरे लिए सब लोग बना देते हैं खाना माशाल्लाह आप लकी हो लियो ये देख रेडी पांच पांच बनाए गिन के इजाज़त में एक दो तीन चार तो बाकी क्या करूं आप तो ये तो नहीं खाएगा खत्म हो गई चीजें तो बस क्या मतलब एक दो तीन चार पांच पांच आ, आप, आप खा ले वो पांच पांच डायरेक्ट नहीं दो रेहान के दो मेरे एक फरा का तो जास तो बिस्किट नहीं खाएंगे मसला नहीं है क्या वो मैं ये प्लेट ढूंढ रहा हूं कौन है गरम गरम है ये हमारा तैयार हो चुका है और कुकीज भी तैयार हैं दोनों चीजें तैयार हैं मैं यहां रख देती हूं इसको कुकीज बनाते हैं ऐसे छलांग मारना जरूरी है गरम है ना भाई ये भी रेसिपी का हिस्सा है प्लीज कुकीज जब बन जाए तो आपने ऐसे छलांग छलांग देखो बोला भी नहीं जा रहा रोजे में ना हर स्पाइस की खुशबू आती है अभी इफ्तार तक और ज्यादा आती है ठंडे हो जाएंगे हाँ। आप लोग कंटिन्यू करें मैं और रेहान जरा गपशप करते हैं आ जाए रेहान कुछ बन गया हाँ जी बिल्कुल आओ बहन चले बर्तन आओ बर्तन धोते हैं हमारा तो यही काम है यही काम देखिए रमजान स्पेशल शो लाइफ ग्रीन है आज शाम 5 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर